ये जो लेक्चर है इसमें आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाएगा, ये टीचमेंट, इसमें ये नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं मिलेगा, जब चाहे भूल भी जाइएगा खोल के वापस से देख सकते हैं। देखिए पिछले क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज बताए थे, ठीक। फिजिकल क्वांटिटी का पहला टाइप है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। पहला टाइप क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऋषभ कल के क्लास में एकदम एब्सेंट कर जाते हैं, आशुतोष कल आधा क्लास करने के बाद गायब। हेलो आ जाएगा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए सर ज्वाइन नहीं कर पाए थे। हेलो ये सर बोल रहे थे कि कल क्लास से निकल गए थे सर, काम था मोबाइल से, मिली थी काम मोबाइल के लिए इसलिए नहीं किया कल का क्लास, आधा ही छोड़ दिया काम था। हमसे एड्रेस पूछो, हम ऑफलाइन क्लास भी चालू कर दिए, आदमपुर ब्रांच पे भी मेरा अपना ऑफिस यहाँ साहेबगंज वाले पे यूनिवर्सिटी एरिया, जो नाथ नगर चंपा नगर इधर के बच्चे हैं यहाँ भी मेरा घर वाला ब्रांच, ऑफलाइन भी हम स्टार्ट किए, उसका अलग अलग टाइम बैठा के पढ़ाए पढ़ा सकते, वैसा कोशिश करो। हाथ पकड़ के अगर सीखना है तो सामने से आओ सिखाएंगे, बोलना चैट से बोलना, अब नहीं सुनाई देगा, माइक लगा दिए। फंडामेंटल फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज कल बताए थे, फिजिक्स में जितना भी टर्म सुने हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं वो सब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे वर्क एनर्जी पावर स्पीड टाइम लेंथ, सबको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, सब फिजिकल क्वांटिटीज। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल मतलब क्या होता है? बेस। इसका दूसरा नाम है बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज। इसका दूसरा नाम क्या है? बेस क्वांटिटीज। इसका दूसरा नाम क्या है? बेस क्वांटिटीज। क्लियर है? बेस मतलब अंग्रेजी पढ़ने से पहले क्या स्टार्ट हुआ था बताओ? बेसिक सीखे थे, ए बी सी डी सीखे थे, वही हो गया बेस। कोई दिक्कत? क्या हो गया? बेस। उसी तरह फिजिक्स में सारा क्या, एक सबसे पहले करंट आ गया होगा क्या, या चार्ज आ गया होगा क्या, या मोमेंटम आ गया होगा क्या? नहीं, अर्ली मेन वाले जमाने में सबसे पहले आदि मानव क्या करते होंगे? एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते होंगे, पूरा जंगल था, पूरा पृथ्वी पे क्या था? जंगल था। सबसे पहले लेंथ वेंथ नापते होंगे, लेंथ मतलब इस जंगल से उस जंगल जाने का, हम लोग लेंथ अगर फीता सब में रहता है तो क्या करते हैं? पैर से भी नाप लेते हैं, इतना कदम, एक कदम, दो, यहां से वहां कितना है तो 5 कदम है ना। लेकिन क्या वो एक्यूरेट होता है? नहीं होता है। समय ही, हम कल भी बताए थे एग्जाम्पल, सूरज को देख के आदमी समय का ठिकाना लगाते थे, उगता सूरज है मतलब सुबह हो रहा है, डूब रहा है शाम हो रहा है, बीच में है सुबह और शाम के बीच में, अप द हॉरिजिन है, 12 बज रहा है, समझो बात। तो मतलब उसके बाद बालू वाला घड़ी पढ़े होंगे ज्योग्राफी में 8-9 में, बालू कितना पोर्शन गिरा नीचे उससे पता चलता था कि कितना समय बीता है, दिन का कितना वक्त बीता है। डायरेक्ट डिजिटल क्लॉक नहीं आ गया जो स्टेशन पे दिखता है 12:15 या, बहुत लोग पहनते भी हैं हैंड वॉच है ना। तो वैसे ही सबसे पहले सिंपल सिंपल जैसे मास लेंथ टाइम ये सब का आविष्कार किया गया है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज इस दुनिया में टोटल कितना है जी?
सात। इस दुनिया में टोटल कितना है जी? सेवन। कितना है जी? सेवन। इसमें से एक को दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है, सब आपस में क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट आर नॉन एज बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज, पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव करना मतलब नहीं बोलते हैं कि फॉर्मूला डेराइव करो, इक्वेशन डेराइव करो, मतलब किसी की मदद से निकालना, नहीं डेरिवेशन उसको बोलते। तो ये फंडामेंटल जो सात होता है ना, सात सिखा देंगे इस सातों की मदद से। फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज होता है उस सब को तुम क्या कर लोगे? डेराइव कर सकते हो। सब को रटने उठने का कोई जरूरत नहीं है, यूनिट सब रटना नहीं पड़ेगा। इस चैप्टर में उसी का ट्रिक सिखाएंगे। चैप्टर नंबर वन चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन। कुछ बोलना होगा चैट में बोलना है ना, क्योंकि हमको आवाज तुम बोलोगे तो आएगा नहीं, चैट में बोलना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो तो मिटा देंगे। स्क्रीनशॉट लो तो मिटा देंगे, मिटा देते हैं। अब देखिए सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन है ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे? कि वो सातों फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन है। क्लियर है बात? यहां बनाते हैं सीरियल नंबर का कॉलम। सीरियल नंबर, उसके बाद रहेगा बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज जो भी हो। उसके बाद यहां लिखो सिंबल, उसको डिनोट कैसे करेंगे, और उसके बाद लिखो उसका यूनिट्स या यूनिट। बेस क्वांटिटीज का दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज का दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। पहला देखिए, पहला है मास। मास सुने हैं? मास, मास को इस चैप्टर में ऐसे दिखाएंगे, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे डाल। यूनिट मास का आप जानते हैं केजी होता है, किलोग्राम, एसआई यूनिट ना, किलो, पांच किलो चीनी, दो किलो आलू, पांच किलो आम, इसमें मेजर करते हैं केजी। ओके दूसरा देखो है लेंथ। लेंथ को लिखते हैं एल से। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। नहीं, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ओके तो बताइए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन लिखे जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो अपने आप, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं हो। मास को लेंथ से कोई मतलब नहीं है, लेंथ को मास से कोई मतलब। तीसरा हो जाता है टाइम। टाइम को इस चैप्टर में किससे दिखाएंगे? टी से। टाइम का ऐसा यूनिट होगा सेकेंड। सेकेंड, सेकेंड। ओके चौथा है थर्मो डायनामिक टेम्परेचर।
या सिर्फ टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, या नाम है फिजिक्स का टर्म है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर का भी नाम है, आगे पढ़ाएंगे। चैट में कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं, देख लेते हैं। हाँ यार, जूल्स वगैरह तो एनर्जी का होता है, कोई बात नहीं। चलो देखो, पांचवा नंबर होता है, पांचवा नंबर होता है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को किससे दिखाते हैं पता है, ऐसे, ये केल्विन हो गया, या डिग्री सेल्सियस से भी दिखा सकते हैं। किससे दिखा सकते हैं, डिग्री सेल्सियस से भी दिखा सकते हैं। इसका ऐसा ही यूनिट हो जाएगा केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट, करंट को दो चीज से दिखाएंगे इस चैप्टर में। करंट का ऐसा यूनिट जानते हो, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। इसको ए से दिखाएंगे या आई से दिखा सकते, ए या किससे, आई से। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर। कि पांच का तुमको जरूरत पड़ेगा फिजिक्स है तो सात, दो और बताएंगे, है ना, है कितना, सात, दो और बताएंगे, लेकिन उस दोनों का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एक का ग्रेजुएशन में जरूरत पड़ेगा, छठे का, और सातवें का जरूरत पड़ेगा केमिस्ट्री में। छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है सी एन डी एल, कैंडेला। इसका आपको जरूरत पूरा फिजिक्स में नहीं पड़ेगा, इसलिए स्टार मान। सातों का नाम जानना चाहिए इसलिए हम लिख रहे हैं। सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे मोल, मोल बड़ा अनमोल है, मोल कॉन्सेप्ट सुने, मोल कॉन्सेप्ट सुने हो। सीडी मींस होता है कैंडेला, सीडी का फुल फॉर्म होता है, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं सीडी ऋषभ। इस पे क्या बोले हैं, ध्यान नहीं देना है, पूरा दो साल प्लस कंपटीशन में कहीं नजर आने वाला नहीं है, लो अलग कर दिए इसको, दिख रहा है। आगे देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है MOL से लिखते हैं सिंबल, पूरा हो जाएगा MOL, मोल, इसका यूनिट मोल, मोल बड़ा अनमोल है। ये सातों कौन सा क्वांटिटीज है बच्चा बताओ, ये कौन सा क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कितने होते हैं इस दुनिया में, केवल सात होते हैं, कितने होते हैं, सेवन होते हैं। चलो माइक, कुछ बोलना है तो, आवाज नहीं आ रहा सर, मेरा आवाज नहीं आ रहा, आया सर, आया, आया सर, आ रहा है, आ रहा है। बोलिए, माइक खोल दिए, कुछ बोलना है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? यस सर, समझ रहे। तो अचला कल किए थे क्लास सर? नो सर। कहाँ का है सर? मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। जा, साढ़े ग्यारह याद रखना है, हमसे रोज मिलना है, नहीं तो फिजिक्स पढ़ने का इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। एक ही चीज है रेगुलरिटी, है ना? यस। अचला कुमारी आप किस एरिया में रहते हैं भागलपुर में? अकबर नगर। बाप रे, अकबर नगर। बिट्टू कुमार आ रहा है समझ में?
यस सर। बिट्टू कुमार तो हमसे बात करने में भी कतराते हैं, इनको डर लगता है। चलिए कोई बात नहीं। ऋषभ राज, ऋषभ राज है गायक मास्टर, गायक मास्टर, गायक मास्टर, कब गायक का नाम? यस सर, बोलिए ना। समझ में आया नहीं सर, कहीं पर परेशानी है? नो सर, सब समझ में। नाम याद हुआ सबको? बताओ तो पहला क्या था बताओ तो। मास। दूसरा? लेंथ। लेंथ, लेंथ, टाइम। तीसरा? टाइम, 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 थर्मोडिग्निशन, थर्मोडायनामिक, करंट, करंट, जिया, अमाउंट ऑफ, जिया कुमारी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिया अब तक आवाज पहुंच पा रही है? तुमने बताई। हाँ, चौथा था टेम्परेचर, पांचवा क्या था बताओ? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा था से बोलिए कोई मतलब ही नहीं है। ल्यूमिनस, इंटेंसिटी। सातवां से भी इसमें कोई मतलब नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, होल कॉन्सेप्ट नाम का चैप्टर। देखो यार, केमिस्ट्री भी जहां पढ़ते हो, जहां भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आरसी मुखर्जी नाम का किताब जरूर बनवाना, कोई बुक को लेके चलना, समझ लो। टीचर पढ़ाए तो सब बढ़िया पढ़ाएंगे, तब लगेगा बढ़िया ही पढ़ा रहे, पर आएगा किताब बनवाने में, क्वेश्चन नहीं, समझ रहे हो। क्वेश्चन जब एक बुक जरूर बनाना फॉलो, मेरा ही टॉपिक आगे बढ़ेगा, 5 दिन 10 दिन होगा तो हम क्वेश्चंस करवाएंगे, वहां आपको फर्क नजर आएगा। पढ़ाने का तो कोई भी आएगा उठ के पढ़ा देगा, समझ लो बात, उसमें आपको मेरे एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा बात। ठीक, अब आगे बढ़ते, अब जानते हो इन सातों की मदद से, एक मिनट माइक लगा दें, मदद से फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज हैं सबको हम लोग डेराइव कर सकते, इन सातों की मदद से, उसी को क्या बोल देंगे, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल की मदद से निकालते हैं, इसलिए उसका नाम डेराइव पड़ गया। कुछ करके दिखाते हैं एग्जांपल, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दें। और एक बात माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट फील फिजिक्स का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पे सब लोग ज्वाइन रहिएगा, हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन होगा उसी पे दिया जाएगा। ऋषभ शायद ज्वाइन किया भी था पहले, कि रिजल्ट निकलने के बाद और फ्लो में चलेगा, तो उसमें पता नहीं रहेगा कौन बच्चा कहां है, नहीं है, एक एक करके सबको पिंच करके उतना बोल नहीं पाएंगे। नाम ये होगा जस्ट फील फिजिक्स 2021, ये TLEGRAM टेलीग्राम, जो लोग नहीं आज तक टेलीग्राम देखे हैं वो प्ले स्टोर में जाके, जैसे किसी दिन हमको कुछ अर्जेंट पड़ गया, क्लास ऑफ करना है, तो वहीं हम लिख देंगे आज क्लास ऑफ रहेगा, या ज्वाइन करने बोलेंगे सबको बोल देंगे ज्वाइन कीजिए, प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है, उसमें सर्च मारिएगा इसे जस्ट फील फिजिक्स 2021, ये फोन है ना, जैसे सर्च मारिएगा नीचे में आएगा लिखा हुआ JOIN ज्वाइन, इस पर क्लिक कीजिएगा, बस ज्वाइन हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका क्या करेंगे स्क्रीनशॉट से? ऋषभ आवाज नहीं आएगा, फिजिक्स के बुक मेरे पास SL अरोरा का है, बहुत अच्छा बुक है बिट्टू कुमार, बहुत अच्छा बुक है, बुक भी अभी बताते हैं, बुक तो बताए थे ना जी एक दिन,
न्यूमेरिकल्स के लिए हम देखो एलन का सीट फॉलो करवाएंगे, एलन का स्टडी मटेरियल पूरा है, मेरे पास सारा मटेरियल है, धीरे धीरे क्लास खुलेगा, कोचिंग आओगे, कोचिंग में क्या करेंगे, सबको प्रिंट आउट करवा के मटेरियल बांट देंगे, 10 को टॉपिक पढ़ाएंगे, मटेरियल बांटते चले जाएंगे और एक किताब फॉलो करके चलेंगे। एच सी वर्मा, एम करीम, एस एल अरोरा, पूछने का आजादी पूरा रहेगा, जो किताब से मन करे आप पूछ सकते हैं, लेकिन फॉलो एक किताब कर, ऐसा नहीं कि सब हल्का हल्का बना लिए और ग्रिप किसी पे नहीं है, ऐसा नहीं करना है। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो, भूल जाओगे बाद में क्या लिखना है क्या करना है। सर लिख लिए, ले लिए। यार बोल रहे हो हमको आवाज नहीं आ रही। ले लिए सर, माइक ऑन ही रहने दीजिए ना, आवाज आता है ऐसे भी, वैसा आवाज साफ आवाज आता है, अच्छा आवाज। यस सर, आ रहा है सर। हाँ बोलिए, आ रहा है सर पूरा अच्छे से आवाज। ठीक ठीक, खोल दीजिए। अब देखिए, देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल, क्या देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वैसा क्वांटिटीज जो पूरा पूरा किस पे डिपेंड करे, फंडामेंटल पे डिपेंड, depend on fundamental physical, और सेटिंग डाल है बच्चा, कॉन्सेंट्रेशन से क्लास कीजिए, है ना, धीरे 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 सीखते सीखते बहुत कुछ सीख जाइएगा। अच्छा धीरे धीरे तो अब मेरे साथ कंफर्टेबल हो गए आप लोग, वीडियो सब लोग ऑन कर सकते हैं, ऑन करके क्लास कर सकते हैं, उससे क्या होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। हेलो स्टूडेंट्स, बिट्टू कुमार क्या जी, सोए हुए हैं क्या आप लोग? नो सर। सब लोग वीडियो ऑन करके क्लास कीजिए, जो बच्चा सोया हुआ होगा उसको प्रॉब्लम। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग, इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन और ज्यादा जमे। हाँ देखिए, विष्णु कुमार शर्ट पैंट सब पहन लेना, ऋषभ राज ऐसे मत वीडियो ऑन कर देना, समझ रहे हो बात को, शर्ट पहन लीजिए, शर्ट पहन लीजिए, वो नहीं चलेगा, शर्ट पहन लीजिए, टी शर्ट ये सब नहीं चलेगा, शर्ट पहना अच्छे से। देखिए ये जिया वीडियो ऑन कीजिए, जिया हाँ ऋषभ शर्ट पहन के वीडियो ऑन कीजिए आपकी, बिट्टू कुमार वीडियो ऑन कर लीजिए, अचला अंशिका लाल हाँ वेरी गुड, अचला
सब लोग ऑन ही रखिए तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा कंसंट्रेशन, जैसे आप हम कैसे ऑन रख के करके पढ़ा, इसलिए बस बोल रहे हो बात, समझ रहे हैं। चलो ऋषभ भी रेडी हो गया आसपास, जी आए तुम भी कर लो, जिया तुम भी कर लो, एकदम आराम से बैठ जाओ, एकदम पालथी मार। अब देखो पढ़ाई कैसा, बिट्टू कहां भाग गया है, बिट्टू और जिया दोनों वीडियो ऑन कर लीजिए, जल्दी पढ़ाएंगे हम फिर, हमको और दूसरा भी काम, दूसरा बैच लिए, और ऑन करके लिए, चलिए आज आपको तैयारी करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है ऑन किस कंडीशन में, कल से ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा फंडामेंटल फिजिकल इससे होता क्या जानते हैं, स्टेज फियर दूर होगा, आप 10 आदमी के सामने नहीं बैठ पा रहे हैं, हजारों लोग के सामने खड़े होके कैसे बोलिएगा, बताइए, बोलो बात है कि नहीं, बात समझो। अब देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे जो डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल, तो क्या बोलते हैं, डेराइव्ड फिजिकल, क्लियर है बात। अब इसका एग्जांपल लेंगे, क्या लेंगे, एग्जांपल, क्या लेंगे, एग्जांपल, एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल सीड सुने हैं आज तक, सीड बराबर क्या होता है, फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, नहीं सुना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को किसमें नापेंगे, दूरी को किसमें नापेंगे, बताइए डिस्टेंस क्या एक तरह का लेंथ है कि नहीं, मीटर में, नहीं लेंथ है कि नहीं बताइए ना, लेंथ, लेंथ में सर होता है पर मीटर में नापते हैं, लेंथ, लेंथ को किससे डिनोट करते हैं इस चैप्टर में, एल से, टाइम को किससे लिखेंगे इस चैप्टर में, टी से, और ब्रैकेट डाल के बच्चा टी देता है, ब्रैकेट खत्म कर देता है, मार्क्स कट जाए। अब देखो नीचे में है मतलब माइनस नीचे पावर प्लस वन, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस वन, क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई टू की पावर क्या, माइनस वन, नहीं आया समझ में, क्या यस सर, अरे एक्स बाय वाई स्क्वायर रहेगा, इसका मतलब ऊपर जाएगा क्या होगा, एक्स इंटू वाई की पावर माइनस टू, ये प्लस ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस, दिक्कत वाली बात नहीं, इतना क्लियर है, इसको क्या लिखेंगे, एल टी वन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ, एल इंटू टी माइनस वन, टी पे पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस वन, ये नहीं समझ में आया क्या, अचला अंशिका ये सब आया समझ में, यस सर, यस सर, यस सर, ओके। अब देखो यहां से यूनिट क्या करता था बच्चा, पहले रटता तब इसी से आएगा, लेंथ को किसमें नापते हैं बताओ, मीटर, टाइम को किस, मीटर, लेंथ पे पावर कुछ नहीं मतलब कितना, कुछ नहीं मतलब कितना पावर वन, टाइम को किसमें नापते हैं बताओ, सेकेंड, यहाँ लेंथ पे वन था तो मीटर पे वन, सेकेंड पे क्या रखा, मीटर सेकेंड इनवर्स, तो क्या पढ़ेंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स,
मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस। सर एक बार फिर से समझाइए। हाँ समझा रहा हूँ, देखिए यहां तक समझ में आया, यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर। एल टी माइनस वन लेंथ को किसमें नापते हैं बच्चा बताओ? मीटर। मीटर टाइम को किसमें नापते हैं? सेकेंड। दोनों पे पावर है ऊंचा हाथ, लेंथ पे पावर कितना है? वन। वन मीटर पे पावर कितना डालोगे? वन माइनस वन आंसर वन। सेकेंड टाइम पे पावर माइनस वन, सेकेंड पे कितना डालोगे? माइनस वन। अब ऊपर ना माइनस वन, इसको नीचे भेज दें, इसको मीटर पर सेकेंड, नीचे जाएगा तो सेकेंड वन बदल जाएगा। इसी को बच्चा में बोला जाता था मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे नहीं बोलते थे मीटर पर सेकेंड। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? देखो स्पीड को किसके मदद से डराई थी? लेंथ की मदद से। लेंथ क्या है? फंडामेंटल है कि नहीं? ये स्पीड को किसके मदद से डराई थी? टाइम की मदद से। टाइम क्या है? टी। बेस क्वांटिटीज है कि नहीं बताइए? यस सर, फंडामेंटल है। फंडामेंटल है बेस, जिसको फंडामेंटल की मदद से निकालते हैं उस क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? ड्राइव। डिराइव्ड। तो क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड कैसा क्वांटिटी बताओ? फंडामेंटल डिराइव। ड्राइव। तब जब आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं derived sir, quantities है। Hello derived, thanks derived quantities, speed को length और time की मदद से derived। हाँ बोलिए, आया समझ में? Yes sir। Yes sir। सर आगे वाला फंडामेंटल कीजिए। सर दूसरा फंडामेंटल कीजिए। अचला कुमारी आया समझ में? यस सर। यस सर। जिया? यस सर। आशुतोष? यस सर। बिट्टू? यस सर। यस सर। हो गया सर। अब जैसे एरिया, एरिया सुने एरिया सुने जैसे स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। जी रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एल इन टू बी। एल इन टू बी। हेलो हेलो। यस एल इन टू बी। मान लेते हैं लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर। 10 मीटर क्या है बताओ? लेंथ है कि नहीं? यस सर। 10 मीटर क्या है? लेंथ। 5 मीटर क्या है बताओ? ब्रेथ। लेंथ। ये भी लेंथ है। 5 मीटर लेंथ नहीं है? यस सर। 10 मीटर तो ब्रेथ ना है सर। यस सर, वो भी मीटर में तो लेंथ ही ना हुआ सर। लेंथ।
लेंथ को क्या लिखेंगे चौड़ाई की लेंथ है लेंथ को क्या लिखेंगे एल गुना एल क्या होता है एल स्क्वायर एरिया किसको किसके मदद से डिराइव किए लेंथ की मदद से लेंथ कैसा है फंडामेंटल जिस क्वांटिटीज को फंडामेंटल के मदद से डिराइव करेंगे उसको कौन सा क्वांटिटीज ड्राइव डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज एरिया कैसा क्वांटिटीज है बताओ Drive quantity, drive physical quantity, drive physical quantity. Speed कैसे? Speed. Speed is a driver. आतों को छोड़ के सब क्या? Driver. हाँ बोलिए अच्छा. नहीं आ रहा है. क्या? क्या बोल रहे हैं? उसका network problem है sir. हेलो स्टूडेंट्स यस सर कहीं कोई दिक्कत है यहाँ तक जो पढ़ाई कोई दिक्कत है नो सर नो सर ठीक है बाकी करते हैं कल 11:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा रोज कीजिएगा सर आज चल रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है ओके सर लोड हम बढ़ाएंगे क्लास टाइम बढ़ा देंगे स्क्रीनशॉट लेने दीजिए सर खाली लेक्चर पिछला लेक्चर भी जो दिए रिकॉर्ड किया हुआ होगा इसी पे ढूंढिएगा मिल जाएगा हो गया सर ठीक है सर गुड बाय ओके